नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। राजस्थान राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। खतरे में अशोक गहलोत सरकार, अचानक कम हो गई विधायकों की गिनती। आखिर ये विधायक कैसे और कौन से हैं जो इधर से उधर जा रहे हैं, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संकट लगातार घटते बढ़ते, रोजाना कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। सरकार के विधायक होटलों में कैद हैं और संख्या को लेकर सभी उलझन में हैं कि आखिर किसके पास कितने विधायक हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है, लेकिन अब फिर से खुद सुरजेवाला ने अपनी पलटी मारी है, एक बार फिर और कहा है कि 102 विधायक या उनसे ज़्यादा विधायक का समर्थन उनके पास है। लेकिन अभी अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 3 निर्दलीय विधायक ने सचिन पायलट का समर्थन किया है, यानी कि गुपचुप रूप से पायलट के पास जा चुके हैं और सचिन पायलट ने उनके साथ बातचीत भी की है। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक अशोक गहलोत के सबसे अजीज मानी जाने वाली दिव्या मदेरणा जो विधायिका है, वो भी अब अशोक गहलोत के खेमे में नहीं दिखाई दे रही है। और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, बताया जा रहा है कि दिव्या मदेरणा का अभी कोई पता नहीं है कि कहां किसके साथ है, यानी धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी के विधायकों में ही गतिरोध उत्पन्न हो गया है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।